सर संतुष्ट तो देखो आदमी की लालसा भरती नहीं है, ठीक है जी, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि बाहर से जो बाहर जाते हैं, बाहर काम करते हैं, उनसे बहुत अच्छे से हम यहाँ कमा रहे हैं। एनुअली अगर लगा के चलें तो 20 से 25 लाख हम यहाँ कमा रहे हैं, जो हमारा अपना है। नमस्कार भाइयों, जय हिंद, जय जवान, जय किसान। भाइयों, आज मैं आया हूँ पटियाला पंजाब में। यहाँ पे जशनप्रीत भाई हैं जो कि एक युवा हैं, मात्र 24 साल इनकी उम्र है, और अपने गांव में रह के, अपने घर रह के ये एक बहुत अच्छा बिजनेस रन कर रहे हैं, बहुत अच्छा रेवेन्यू यहाँ जनरेट कर रहे हैं। ये देसी मुर्गी पालन करते हैं, इनका अपना हैचरी भी है अपने पंजाब में, और जितने आसपास स्टेट हैं पंजाब के वहाँ पे ये अपने चिक्स प्रोवाइड कराते हैं फार्मर्स को। अपनी लैंड पे काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट उन्होंने करी हुई है। बाकी जानकारी जशनप्रीत भाई से लेंगे, जानेंगे इनके बिजनेस को और देखेंगे इनका फार्म। नमस्कार भैया। नमस्कार जी। आज आपके फार्म पे आए हैं, बहुत आपका काम के बारे में सुना था हमने पटियाला में जी। तो सबसे पहले छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। मेरा नाम जशनप्रीत सिंह है, मैं पटियाला से बिलोंग करता हूँ, और मेरा फार्म पटियाला से देवीगढ़ रोड पर स्थित है जी। और मेरे फार्म का नाम पोल्ट्री किंग पटियाला है जी। तो आज आपके फार्म का थोड़ा टूर करेंगे, आपके हैचरी दिखाएंगे दोस्तों को जी। क्या बिजनेस मॉडल है थोड़ा सा बताइए और चल चलते बात करेंगे जी। जैसे कि सर मेरे फार्म पे आप देख रहे हो कि दो शेड हैं, और हाँ। इनमें एक हमारा चिक्स का फार्म है और दूसरे में हमारा पेरेंट है हाँ। और एक हम RIR पे काम कर रहे हैं, और एक हमारे पास ब्लैक एस्टलॉप ब्रीड है। अच्छा। और दूसरे नंबर पे हम एग का काम करते हैं, और हैचिंग एग का काम करते हैं, और टेबल एग का काम करते हैं। उसके बाद हमारे पास चिक्स अवेलेबल रहते हैं, और बड़ा बड़ा अवेलेबल रहता है, अंडे वाली मुर्गी अवेलेबल रहती है। मतलब आप एग प्रोड्यूसर हो और अब आप चिक्स प्रोड्यूसर हो यहाँ जी, है ना? बिल्कुल जी। कौन कौन से मार्केट टच कर रखी है आपने पटियाला में रह के? पटियाला में रह के सर हमने सब मार्केट, जैसे कि हमारा माल दिल्ली में आम लोकल हो गया, और राजस्थान और यूपी बिहार, लगभग सब एरिया ऑल ओवर इंडिया में हमारा माल जाता है। कितना चिक्स बेच देते हैं इस महीने में? हमारा सर 40 से 45 हज़ार की हमारी कैपेसिटी है जो हम चिक्स निकालते हैं। और इसमें सर मान के चलिए कि हम जो लोकल सेल करते हैं 10 से 15 हज़ार हम लोकल, और बाकी का सारा हमारा बाहर जाता है जी। तो अभी देखिए वाले हम शेड में जा रहे हैं दोस्तों, ये RIR बर्ड का शेड है, और काफ़ी आवाज़ आएगी, बस एक मिनट के लिए जाएंगे अंदर, क्योंकि फिर हम वहाँ अंदर बात नहीं कर पाएंगे, धूल भी उड़ रही है अंदर। देखो यहाँ पे बायो सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम है, क्योंकि देखो बहुत नाजुक काम है ये, और बहुत ज़रूरी भी है बायो सिक्योरिटी। अच्छा, ये कितने दिन का बर्ड है जी? ये तगड़ा बर्ड है सर, 8 महीने का बर्ड है ये हमारा, और फुल प्रोडक्शन पे है इस टाइम। कितने अंडे दे रही है अभी मुर्गी ये? सर 75% इस टाइम हम प्रोडक्शन ले रहे हैं इससे। अच्छा जी। दिन में कितने अंडे देती है मुर्गी? दिन में सर एक अंडा देती है, और 28 घंटे का पीरियड होता है इसका अंडे देने का। अच्छा जी। तो सारा फर्टाइल है रहा है जी? बिल्कुल, ये फर्टाइल है। और अगर मान लो कुछ खाने के लिए चाहिए? खाने के लिए सर हमारे पास अलग से बर्ड है। अच्छा। लेकिन ये हमारा पेरेंट स्टॉक है, यहाँ से नहीं देंगे आप? ये हमारा हैचिंग के लिए यूज होता है। अच्छा, वो फार्म अलग है जिसमें वो वाला जी? बिल्कुल, वो भी यहीं से इन्हीं के बच्चे हैं कहीं ना कहीं जी? बिल्कुल, वो हमारे पास डबल FG और कड़कनाथ। कब तक ये फर्टाइल वाला सिस्टम चलता रहेगा, कब तक दे सकती है मुर्गियाँ ये? जी फर्टाइल वाला सर हमारा सिस्टम ऑन डिमांड रहता है, जैसे कि डिमांड चलती रहती है तो मशीन चलती रहती है, हम चालू रखते हैं। दोस्तों मैं दिखा दूं, ऑटोमेटिक ड्रिंकर लगा रखे हैं और मैनुअल फीडर हैं। यहाँ पे भैया ने डेडिकेटेड बंदा भी रखा हुआ है एक। अच्छा, एक बंदा संभालता फार्म को आप भी साथ में? दो बंदे अलग अलग फार्म पे, दो बंदे हैं। अच्छा, इस फार्म का बंदा इसी फार्म पे काम करेगा, और दूसरे फार्म का बंदा दूसरे फार्म पे काम जी। अच्छा भाई, चलो आगे चलते हैं, क्योंकि जान देने जाएंगे बात नहीं कर पाएंगे, आवाज बहुत करता है बर्ड। अच्छा ये बताओ जी, आप कितना पढ़े लिखे हैं? सर मैं ग्रेजुएशन करी हुई है मैंने। क्या किया ग्रेजुएशन में? सर BA करी हुई है मैंने। अच्छा जी। तो भाई इस बिजनेस का, इस देसी बिजनेस का जी, वैसे आप पटियाला से हैं जी, गांव में रहे हैं जी, ठीक है, आपने नहीं सोचा बाहर जाए कुछ करूंगा, गांव में सेटल हो गए आप? तो सर बाहर का प्लानिंग करी थी हमने, कोरोना आने से पहले हम बाहर की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन उसके बाद कोरोना आ गया, और फिर जैसे फ्री बैठे बैठे वीडियो देखते रहते हैं, तो फिर माइंड में आया कि ये पोल्ट्री का हम बिजनेस करके स्टार्ट कर लें एक बार, तो हमने थोड़े बड़ से स्टार्ट किया, और हमें आज यहाँ हम पहुँचे जी, पहुँच गए हैं इस जी जी। तो थोड़े बर्ड कितने होते हैं? थोड़े बर्ड थोड़ा बताओ। थोड़े बर्ड हम सर ओनली 33 बर्ड से हमने काम स्टार्ट किया था जी जी, और 33 बर्ड से हैचरी तक का सफर, हैचरी तक का। अभी कितने बर्ड है टोटल आपके पास? और इस टाइम सर हम 2500 बर्ड तो हमारे पास पेरेंट है, और 10 हज़ार हमारे पास जो चिक्स बर्ड है जो हम सेल करते हैं, जैसे तैयार करके, जैसे 1 मंथ का 2 मंथ का 3 मंथ का। दोस्तों इस वाले साइड में चिक्स हैं, इसमें अभी बाद में चलेंगे, पहले आपको ब्लैक स्टॉप दिखा देते हैं, काफी सुंदर ब्लैक स्टॉप है। ये कहाँ से लाए जी ब्लैक स्टॉप? ये सर ब्लैक स्टॉप पंतनगर से लाए थे सर ये हमने। अच्छा, और सिक्योरिटी यहाँ भी है, और ये ब्लैक स्टॉप है
तो कितने का पड़ा था जी वहाँ से आपको? ये सर 68 का पर पीस पड़ा था उस टाइम। बड़ा था, छोटा बच्चा था? छोटा, एक दिन का बच्चा था। एक दिन का बच्चा, पर इसकी डिमांड इतनी है आज की डेट में, लोग पूरे नहीं कर पा रहे। जी बिल्कुल। ठीक है, आप पूरी कर दोगे? सर हाँ, डिमांड पूरी कर देंगे, लेकिन एक शर्त रहती है कि बुकिंग एडवांस करानी पड़ती है, क्योंकि बुकिंग के जरिए हम इसको सेल करते हैं। आप ब्लैक स्टॉक कितना निकाल रहे हो महीने का? सर ब्लैक स्टॉक हम तकरीबन एक मंथ का 18 से 20 हजार चिक्स निकाल रहे हैं। निकाल देते हो? जी बिल्कुल। और 18 से 20 हजार ही हमारा RIR का निकल रहा है। अच्छा। ज्यादा दोनों का निकल रहा है, बाकी डबल FG और कड़कनाथ ऑन द डिमांड रहता है। अच्छा जी, चलो यहाँ भी अंदर डिस्टर्ब नहीं करेंगे बर्ड को, क्योंकि मैंने सुना है जितना आप डिस्टर्ब करोगे उतना आपका अंडा कम होगा। सच्चाई है ये? बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। बर्ड को जितना हम सही रखेंगे, मैनेजमेंट सही रखेंगे, अंडे की प्रोडक्शन भी उतनी ज्यादा आएगी। जी जी, ये आपके चिक वाले शेड है? जी, ये हमारा चिक्का फार्म है, और यहाँ हम तैयार करते हैं बर्ड जैसे एक दिन से लेके 3-4 महीने तक का बर्ड। अच्छा अच्छा जी, ये नर्सरी कह सकते हैं इसको? जी ये नर्सरी है छोटे बच्चों की। जी जी जी, दोस्तों यहाँ पे हैं। अच्छा, डबल FG भी है कुछ? जी डबल FG सर सारा बर्ड। अच्छा, ये डबल FG वाला बर्ड है जी। तो आप तो काफी ब्रीड पे काम कर रहे हो ना फिर? जी बिल्कुल। तो डबल FG भी दोस्तों यहाँ पे इन्होंने रखा हुआ है जी, और लगभग सारी ब्रीड अवेलेबल रहती है, क्योंकि कस्टमर की पता नहीं चलता कि क्या डिमांड है, कोई कस्टमर किस तरह की डिमांड लेके आ जाता है, कोई किस तरह की डिमांड लेके आ जाता है। भाई एक बार बताओ, पंजाब है ठीक है, जी, पंजाब में नॉनवेज का भी अच्छा खासा चलन है जी, ठीक है, और दिल खोल कर जीते हैं पंजाबी, मैंने सुना है ठीक जी, है बिल्कुल। हालांकि मेरा ही बैकग्राउंड पंजाब का है जी। अच्छा ये बताओ, तो यहाँ तो डिमांड मुर्गे की भी बहुत होगी? जी बिल्कुल। आप बेचते हैं मुर्गा? जी, मैंने जैसे पहले बताया सर कि कस्टमर का पता नहीं चलता कि क्या चीज मांग ले, और हमारे पास हर तरह की चीज अवेलेबल रहती है, जैसे मुर्गा हो गया 2 kg का, 3 kg का मुर्गी हो गई, और हर तरह की डिमांड चलती है। कोई छोटा बच्चा मांग लेता है, कोई पाल नहीं पाता बच्चे को तो कहता है कि 10 दिन का करके दे दो, 20 दिन का करके दे दो। सब तरह का बच्चा और सब तरह की उसकी डिमांड पूरी होगी यहाँ पे। मतलब मैं समझ रहा हूँ, जो घर पे आएगा, जो दरवाजे तक आएगा, उसको निराश करके नहीं भेजना। बिल्कुल जी बिल्कुल, उसको निराश करके नहीं भेजना, करके भेजनी है जी बिल्कुल। मैं भी देख रहा था कि भैया आए थे, वो 2 बर्ड ले गए हैं जी, और आपके 2 घंटे खा गए वो। जी बिल्कुल, खाने वाली बात है, क्योंकि आपने भी कोऑपरेट किया, हम बहुत देर से वेट कर रहे हैं कि भैया कब फ्री होंगे, हम वीडियो बनाएंगे। बिल्कुल, पर मतलब आप मतलब यहाँ आदमी को कभी निराश करके नहीं भेजते जी, चाहे सर वो आज 2 बर्ड लेके जा रहा है, कल हो सकता है 2 लाख का फार्म कर ले वो आदमी। बिल्कुल जी बिल्कुल, ठीक है जी। और कस्टमर का कोई पता नहीं होता है, आज 2 का मन बना के आया, कल 2 लाख, 20 हजार, 2 लाख कर ले, कुछ भी कर सकता है वो जी, जी। और उसको हम ये नहीं कहेंगे कि ये 2 बर्ड लेने आया, टाइम वेस्ट कर रहा है, तो हम इसके टाइम नहीं देंगे इसको। ऐसा नहीं, ड्रोन उड़ाया था जी, मैं देख रहा हूँ एरिया भी आपने ठीक ठाक लिया, लैंड आपकी अपनी है? जी बिल्कुल जी। कितना एरिया है ये? ये सर 0.5 किला जमीन का है, और इसमें 2 फार्म है। 2 फार्म है जी जी, और हैचरी भी है आपकी? हैचरी भी है। वो क्या कैपेसिटी हैचरी की? हैचरी की सर 30,000 की कैपेसिटी है हमारी। 30,000 की? जी जी। तो भैया एक बात बताओ, 30,000 कैपेसिटी की हैचरी हो गई जी, इतना सब कुछ कर रहे हो जी, ब्लैंड भी पंजाब में करोड़ों की है ये जी, ठीक है ना? बिल्कुल जी। तो इतनी इन्वेस्टमेंट घर ने करवाई, घर वालों ने कराई, या फिर आपने खुद कुछ करके कर लिए? सर लैंड तो जैसे बैकग्राउंड लैंड तो है ही था हमारा, ठीक है जी, और उसके बाद जो फार्म का सेटअप किया है जी, ये हमने खुद अपने दम पे और छोटे से लेवल से शुरू करके यहाँ तक हम पहुँचे हैं जी, जी जी। तो घर वालों ने सपोर्ट किया है? जी बिल्कुल जी 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 जी। अब थोड़ा दोस्तों आपको ऊपर से भी दिखाते हैं, ड्रोन तो हमने उड़ाया था, पर फिर भी पंजाब है और धान लगा हुआ है पूरी तरफ, ठीक है। और भाई कंस्ट्रक्शन की बात करूं, भाई ने दो तरह के पक्का शेड बोरा और ये कच्चा शेड है, ठीक है ना, दो तरीके से कंस्ट्रक्शन किया है। अच्छा यहाँ AC लगा रखा है, AC का रूम है, आपने अंडर रखे हैं, ये क्यों रखे हैं जी यहाँ पे? ये सर जो फर्टाइल एग होता है, इनको 5 दिन के लिए हम नीचे AC रूम में स्टोर करते हैं। अच्छा, ताकि एग की हैचबिलिटी बढ़िया आए। अच्छा अच्छा जी, स्टोर करते हैं, चलता रहता है 24 घंटे? जी बिल्कुल जी। तो बिजली का बिल भी तगड़ा आता होगा जी? जी सर, जैसे फिर काम है वैसा ही हो जाता है जी। अच्छा ये बताओ, अभी जैसे ब्लैक स्लोप की डिमांड है, ठीक है, पर्सनली मेरे पास भी इंक्वायरी आती है जी, तो आप ये बताओ किसी को चाहिए हो ब्लैक स्लोप जी, तो उससे तो नहीं करोगे निराश? नहीं बिल्कुल नहीं सर, जैसे हमने पहले बताया कि अगर डिमांड चल रही होगी, बुकिंग चल रही होगी, तो उसको टाइम दे देंगे कि 5 दिन बाद मिलेगा, 10 दिन बाद मिलेगा, लेकिन जो डेट उसको दे देंगे उस डेट पे उसको बच्चा दे देंगे जी जी। अच्छा अब ये बताओ, इतना सब कुछ बना रखा है, पैसा लगा रखा है, करोड़ों की इन्वेस्टमेंट है जी, हैचरी भी अच्छे पैसों की आती है मुझे पता है, हम ऑन रिकॉर्ड नहीं बोलेंगे कितने की आती है हैचरी, क्योंकि कंपनीज का अलग अलग रेट होता है। बिल्कुल जी। आप ये बताओ अभी कैसा कमाते हैं आप? अभी आपने जो 4 साल की जर्नी है आपकी, संतुष्ट हैं? कैसा कमा रहे हैं अभी आप, अगर मैं सालाना बात करूँ, मंथली बात करूँ? सर संतुष्ट तो देखो आदमी की लालसा भरती नहीं है, ठीक है जी, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि बाहर से जो बाहर जाते हैं, बाहर काम करते हैं, उनसे बहुत अच्छे से हम यहाँ कमा रहे हैं। एनुअली अगर लगा के चलें तो 20 से 25 लाख हम यहाँ कमा रहे हैं,
जो हमारा अपना है कमाल, ये आपका बचत टर्नओवर है या ग्रॉस प्रॉफिट है आपका? ये सर है ग्रॉस प्रॉफिट है, लगा लो कि हमारा सारा सैलरी वाले देखे जी, बिजली का बिल देखे जी बिल्कुल। तो भैया एक बात बताओ, अब ये वीडियो लोग देखेंगे जी, ठीक है, कहेंगे यार भैया इतना अच्छा कमा रहे हैं, हम भी करेंगे जी बिल्कुल, पैसे का ब्योत भी है उनका जी, कर लिया जी, डेडिकेशन से नहीं करा फिर वो लॉस हो गया जी, ब्लेम आएगा आप पे और हम पे जी। तो इस चीज को थोड़ा क्लियर करो, आपने मेहनत कितनी करी, क्योंकि वीडियो में तो लगेगा कि भाई बंदे ने यार मतलब छड़ी घुमाई और 20-25 लाख साल कमा रहा है वो जी बिल्कुल। थोड़ा क्लियर करो मेहनत कितनी करी है इसके पीछे आपने? सर मेहनत तो देखिए कि पहले साल अगर हमने काम किया था, पहले ईयर मैंने ऑफ कैमरा भी आपको बताया था कि हमने बहुत नुकसान झेला जी, कि हमारा बर्ड भी मर गया था। अच्छा, कुछ हमें तजर्बा नहीं था, धीरे धीरे तजर्बा आया और फिर हम काम अपना यहाँ तक लेके आए। लेकिन ये कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि यहाँ एकदम से लगाओ और एकदम से पैसा बनना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ। हर एक काम को टाइम चाहिए लगभग, लेकिन पोल्ट्री सबसे एक ऐसा धंधा है जिसको बहुत कम समय में हम स्टैंड कर सकते हैं, एक साल में ये प्रॉफिट हमें देना स्टार्ट कर देगी बैग जी। तो भाई और सरदार जी ने, भाई ने इतनी अच्छी जानकारी दी आपको, एक बात मैं भी आपसे एंड में बोलूँगा, देखो ये कमा रहे हैं जरूरी नहीं है कि आप भी कमा सकते हो, हर आदमी का हर चीज़ में लक नहीं चलता, लेकिन अगर आप डेडिकेटेड हो, आपको मार्केटिंग आती करनी और आप इस चीज़ को बेच सकते हो, चिक्स बेच सकते हो और अंडे के पर्पज़ के लिए कर रहे हो टेबल एग के लिए तो वो बेच सकते हो, या फिर चिकन पर्पज़ के लिए कर रहे हो वो बेच सकते हो, तो आप किसी भी बिजनेस में आप ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। और एक चीज़ और मैं बोलूँगा कि अगर आप किसी भाई की इस काम में रुचि है और वो पहले से भी करते आ रहे हैं या उनको चिक्स चाहिए, तो भाई का नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है और इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी आपको, भाई का जो एक्सपीरियंस है वो आपको समझ में आया होगा कि क्या किया है इन्होंने। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।